हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में अगले वीडियो में एरे के बारे में बात की थी, क्योंकि हम एरे क्यों यूज करते हैं और इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, तो आज इस वीडियो में हम उसकी सिंटैक्स और एक प्रोग्राम के द्वारा हम एरे को समझेंगे। तो एरे का बेसिकली हम वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल इस तरह का एरे होता है, आप चाहे इतना बना सकते हो। बेसिकली आपको वन और टू डायमेंशनल का एरे जो आ गया तो आपको आगे का एरे जो है वो आसानी रहेगी। तो इसी तरह हम एरे का यूज सिमिलर डेटा टाइप का एक यूज करने के लिए एक अलग डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, इस तरह से हम उसे एरे कहेंगे। तो एरे बेसिकली उसकी सिंटेक्स देखे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे उसकी डेटा टाइप लिखनी है, बाद में एरे का नेम और स्क्वेयर ब्रैकेट सबस्क्रिप्ट के अंदर हम जितना क्या एरे आप लेना चाहते हो उसका नंबर लिखेंगे। मान लो कि आपको 5 स्टूडेंट का डेटा लेना है तो आप एरे के अंदर इंटीजर एनरोलमेंट नंबर करके 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 एनरोलमेंट आपको लेना है। तो इसी तरह ये जो एरे हमने क्रिएट किया है वहां पे आप 5 एनरोलमेंट इनपुट ले सकते हो और इसे आउटपुट या तो कोई भी अनदर ऑपरेटर ऑपरेशन करा सकते हो। तो बेसिकली ये एक सिंटेक्स के बारे में बात की थी। तो आगे हम एक प्रोग्राम बनाए जिनमें 5 स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर लेंगे, उसका 2 सब्जेक्ट का मार्क लेंगे और उसे हम प्रिंट कराएंगे। और मैंने अगले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपको फॉर लूप आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप बेसिकली एरे का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर लूप तो यूज होगा ही, क्योंकि आपको 5 स्टूडेंट का इनपुट लेना है और कोई भी आपको जितना स्टूडेंट का इनपुट लेना है आपको यहाँ पे लूप का तो यूज करना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल तो लिख नहीं सकते क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है वो लेंथी हो जाएगा और आपको समझने में आसानी नहीं रहेगी। तो इसी तरह यहाँ पे आपको लूप तो यूज करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिनमें 5 स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर और 2 सब्जेक्ट का मार्क लेते हैं और उसे प्रिंट कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो है अगर आप एरे क्रिएट करते हैं इंटीजर का, इंटीजर उसकी डेटा टाइप है और आप 5 नंबर का एरे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे इंटीजर है वो बेसिकली कितना बाइट मेमोरी पर अपनी जो जगह है वो रोकेगा। तो इंटीजर बेसिकली 4 बाइट रोकेगा या तो 2 बाइट, वो अपने प्रोसेसर पे डिपेंड है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 4 बाइट रखते हैं। तो अगर आपने 5 का एरे क्रिएट किया है तो अगर इंटीजर की साइज 4 है और एरे 5 का है तो यहाँ पे 5 × 4 यानी कि आपका 20 बाइट है वो मेमोरी जो है वो ऑलरेडी उसके एलोकेट करेगी, यानी कि उसे एक साइड पे रखेगी जहां पे कोई भी आप अनदर वैल्यू इनपुट नहीं के सिर्फ एरे के लिए ही आप उसे यूज करेंगे 20 बाइट। और यहाँ पे जो एरे की मेमोरी एड्रेस है वो सेम टू सेम रहेगी। अगर 2024 है तो 4 बाइट छोड़ के वो 2028, इसी तरह 4 बाइट बीच में छोड़ के वो अपनी जो मेमोरी एड्रेस है वो क्रिएट करेगी। इसी तरह जो सिक्वेंशियल एरे रहेगा तो यहाँ पे उसकी साइज और सिक्वेंशियल एरे एक मेमोरी एड्रेस के बाद 4 बाइट छोड़ के वो दूसरा मेमोरी एड्रेस, इसी तरह लाइन में सिक्वेंस रहेगी। और एरे को आप इनिटिलाइजेशन 2 तरीकों से कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट ही आप उसे इनिटिलाइजेशन कर सकते हो इस तरह, या तो फिर हम जो प्रोग्राम करने वाले हो फॉर लूप का यूज करके आप उसे इनपुट ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम। और यहाँ पे एक और बात है कि एरे की जो इंडेक्स, उनमें इंडेक्स आती है जो आप स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट है उसमें आप जो एरे की साइज देते हो वो 0 से, इसकी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि उसमें स्टोर किस तरह से होगा, 0 पे वैल्यू स्टोर होगा, बाद में लूप एक राउंड घूमेगी, बाद में लूप 1 होगी तो यहाँ पे 1 पे स्टोर होगा, यानी कि इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, बाद में 1 इंडेक्स पे, इसी तरह 2, 3 और 4, 5 पे नहीं आएगा क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 से 5 वैल्यू हो ही जाती है, इसलिए 4 तक ये इंडेक्स उसकी आएगी। इसी तरह उसमें एक इंडेक्स आती है और एलिमेंट जो हम उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं।
तो कुछ इस तरह इंडेक्स। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम की तरफ, अब कुछ बाकी नहीं है, एरर में सब आ गया, तो हम प्रोग्राम की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम देखें तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग जैसे करते हैं, एज इंक्लूड एस टी ओ डॉट एच लिख के बाद में हम यहाँ पे तीन एरे बनाएंगे, एक एनरोलमेंट नंबर, जैसे मैंने कहा था कि हम एक एनरोलमेंट नंबर लेंगे 5 और सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 का जो एरे क्रिएट करेंगे, तो इसी तरह हम यहाँ पे 3 एरे लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एनरोलमेंट नंबर सबस्क्रिप्ट के अंदर उसकी साइज़ दी गई है 5, बाद में सब्जेक्ट 1 की साइज़ 5 है और सब्जेक्ट 2 की साइज़ 5 है। बाद में हमने एक लूप फॉर लूप क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू 0 है और हमने आई लेस देन 5, क्योंकि हमारा जो एनरोलमेंट नंबर या सब्जेक्ट 1 2 जो है वो 5 साइज़ का, इसलिए हमने आई लेस देन 5 रखी है। बाद में आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले हम एंटर स्टूडेंट परसेंटेज डी डेटा, यानी कि जो स्टूडेंट 1 का डेटा हम इनपुट लेंगे यूज़र से, तो सबसे पहले एंटर रोल नंबर, बाद में वो रोल नंबर इनपुट करेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे इनपुट लेते समय स्कैनएफ के अंदर, एम परसेंट एनरोलमेंट सबस्क्रिप्ट के अंदर आई, जैसे ही आई इंक्रीमेंट होता जाएगा इसी तरह मैंने पहले बताया, इसी तरह इंडेक्स जो है 0 1 2 3 4 इसी तरह यहाँ पे स्टोर होता जाएगा एनरोलमेंट नंबर पे, इसी तरह सब्जेक्ट 1 पे और सब्जेक्ट 2 पे। तो ये था एक इनपुट लेने का जो लूप है, इस तरह लूप की तरह से हमने इनपुट लिया, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन यहाँ पे नहीं किया है। तो हमने 3 एरे बनाए और इसका जो है इनपुट लिया है, तो आगे देखते हैं आउटपुट का। तो जैसे कि हमने इनपुट लिया उस डेटा को हम आउटपुट कराएंगे, तो यहाँ पे हम फिर से एक लूप का यूज़ करेंगे, इनमें आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, जैसे इनपुट की कंडीशन थी इंक्रीमेंट था इस तरह इनमें भी सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि आई इक्वल टू हम 0 क्यों लेते हैं, 1 क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो ऑलवेज 0 से शुरू होती है, ऑलवेज 0 से शुरू होती है, इसलिए हम यहाँ पे आई इक्वल टू 0 लेते हैं। बाद में हम प्रिंटएफ में स्टूडेंट परसेंटेज डी डिटेल, इस तरह के जो भी स्टूडेंट का डेटा आएगा वो हमें प्रिंट होएगा, आई 0 है तो हम आई प्लस 1 लिखे अंदर, इस तरह स्टूडेंट 1 का डेटा उसका डेटा आएगा, बाद में स्टूडेंट 2 का, इस तरह से हम जैसे ही आपका प्रोग्राम कुछ एट्रैक्टिव हो इस तरह से जो भी आपका प्रोग्राम देखेगा वो एक अच्छा समझेगा आपको प्रोग्राम को। बाद में हम प्रिंटेप के करके एक डैश वाली लाइन जो है वो प्रिंट करें, क्योंकि हम हमारा जो प्रोग्राम है उसे एट्रैक्टिव बनाने के लिए। बाद में प्रिंटेप के अंदर एनरोलमेंट नंबर सब 1 सब 2 के मार्क जो इस तरह से हम प्रिंट करेंगे, एनरोलमेंट नंबर सब स्क्रिप्ट के अंदर आई लिखेंगे, जैसे आई इंक्रीमेंट होता जाएगा इसी तरह आई का इंडेक्स है वो चेंज होती जाएगी और इस तरह प्रमाण से हमको डेटा एक्सेस मिलता रहेगा। बाद में फिर से डैश वो हमें प्रोग्राम को एट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो इसी तरह हमने प्रोग्राम में 3 एरे बनाए थे, वो भी 1 डायमेंशनल का था, इंडेक्स जो है वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती है, बाद में हमने इनपुट लिया और उसे प्रिंट किया, तो इसी तरह आप 1 डायमेंशनल का एरे यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह आपको एरे के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली एरे वर्क कैसे करता है, और आप जितना चाहे उतना प्रोग्राम को आप एट्रैक्टिव बनाए, और आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देख सकें मेरे सारे न्यू वीडियो।